As you know, I recently moved to Mumbai from Pune और अभी भी मैं घर सेटअप ही कर रहा हूँ। आज के ब्लॉग में हम बेसिकली एक ग्लिम्स देना चाहते हैं कि बैचलर लाइफ कैसी होती है। सेकेंडली, मैंने नया टीवी लिया है, VW कंपनी का कुछ नाम है, एंड सरप्राइजिंग कॉस्ट है उसकी, जो मैं वीडियो में बाद में बताऊँगा कि क्या कॉस्ट है इसके एक्चुअली। एंड थर्ड थिंग, आई विल ऑल्सो गिव यू माई हाउस टूर के अंधेरी में 1 BHK कैसा दिखता है, विच कॉस्ट्स अ वॉपिंग 32,000 फॉर रेंट पर मंथ। तो स्वागत है आपका इस ब्लॉग में, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, रेंटो मोजो से सारा सामान तो आ गया है, इसको बस सेट करना बाकी है, लेकिन अब तो वो सेट नहीं हो पाएगा। अभी बज रहे 2:15 और मुझे 2 बजे ऑफिस पहुंचना है। सो एज आई सेड, हम होम टूर करने वाले हैं एंड वेलकम टू माय ओवरऑल टूर। ये है अंधेरी ईस्ट शेरे पंजाब कॉलोनी में ऑलमोस्ट 1 BHK फ्लैट, जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ ड्यूरिंग माई टाइम एट KPMG, एंड दिस इज़ माई लिविंग रूम। सो यहाँ पे प्रीटी मच आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, पोस्टर वी हैव ओवर हियर। बाकी हमारे साथ बजरंग बली जी है हमारी रक्षा करने के लिए, जय श्री राम। देन वी हैव माई स्टडी डेस्क यहाँ पे बैठने के लिए, सिटिंग अरेंजमेंट। अनदर फेवरेट थिंग इन माई फ्लैट इज दिस एरिया, काइंड ऑफ छोटा सा प्राइवेट स्पेस गार्डन के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए। लेट मी जस्ट शो यू। यहाँ पे बेसिकली अगर कुछ करना चाहता हूँ मैं, छोटा सा आर्टिफिशियल ग्रास वगैरह डाल के, आई हैव सम प्लांट्स ओवर हियर। And another best thing about this is the buddy I have, जिसको मैं कभी कभी दूध देता हूँ और वो ऐसे नीचे फिर फेंक देती है बर्तन को। But hey, hi. Say like, share, subscribe. Please subscribe. Okay, I think उसकी पूरी फैमिली है यहाँ पे, अभी शायद नहीं होगी यहाँ पे, but हमारे सोसाइटी में कुछ 7 से 8 टोटल कैट्स है। कमिंग बैक टू दी हाउस टूर, सो ये रहा लिविंग रूम। अभी चलते हैं बेडरूम में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम मैं स्पेंड करता हूँ सोने में। सो ये है हमारा ओवरऑल बेडरूम, जहाँ पे वी हैव 1 बेड वार्डरोब, अगेन उसी प्राइवेट स्पेस का व्यू, एक टीवी है विच इज़ नॉट ऑपरेशनल, स्टोरेज यूनिट, ए सी काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई मुंबई में रह रहे हो तो, और सब स्पेस टू हैंग स्टफ ओवर हियर। यहाँ पे आप देख सकते हो मच्छरदानी, योगा मैट जो अभी तक यूज़ तो नहीं हुई है, और ये मेरा कंपनी का आईडी कार्ड विथ माय फोटो ऑन इट, आई होप इट लुक्स गुड। देन वी हैव, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे तो मतलब बाथरूम वगैरह ही है, एंड दिस इज़ 1 प्लेस विच आई डोंट वॉन्ट टू शो यू, बट ठीक है अभी देख ही लो। इसको मैं साफ़ करने वाला हूँ वैसे, जो मैं एक हफ्ते से बोल रहा हूँ, लेकिन आज हो जाएगा, आज वीकेंड है। सो ये हमारा किचन, जहाँ पे मेनली इलेक्ट्रिक चूल्हा यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी, दिस वन बजाज का है। अदर देन दैट, मोस्ट ऑफ इट इज़ जस्ट फ्रूट्स और फ्रूट्स के लेफ्ट ओवर, कॉफ़ी एंड स्नैक्स,
उससे ज़्यादा मैं कंजम्पशन नहीं करता हूँ। यहाँ पर है वॉशिंग मशीन जो अभी ऑपरेशनल नहीं है, तो फिलहाल तो खुद से ही मैं कपड़े धो रहा हूँ। एंड इट्स फन, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है और कपड़े भी धुल जाते हैं। सो या दिस इज इट, होम स्वीट होम। अगर आप अंधेरी में हो या मुंबई में हो और मिलना चाहते हो, प्लीज़ फील फ्री टू कम ओवर फॉर अ कॉफ़ी और फिर बैठ के बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट अनबॉक्सिंग टीवी। कूल, सो ये है विजन वन का 32 इंच टीवी। इसकी टोटल कॉस्ट है 7,600 रुपीस। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वेरी एक्साइटेड टू सी कि सिर्फ 7,500 में एक स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी कैसे आता है और आएगा तो वो क्वालिटी भी कैसा होगा। तो मज़ेदार बात बताता हूँ कि घर वालों ने मुझे ना बोला था टीवी लेने के लिए, बट मुझे एक कंसर्न था कि जब मेरे दोस्त आएंगे, रिलेटिव्स आएंगे, आई रियली डोंट नो कि मैं उन्हें एंटरटेन कैसे करूँगा। सो बेस्ट ट्रिक है कि कोई भी घर पर आए, आप टीवी लगा कर उनको बिठा दो, आराम से टीवी देखते हैं और फिर आप अपना आराम से काम कर सकते हो। सो विद दैट पर्सपेक्टिव इन माइंड मैंने टीवी लिया है। दिल थाम के दिस इज आर 7,500 का एंड्रॉइड टीवी। वेलकम टू आवर हाउस। दिखने में तो काफी सही है, बट आई जस्ट रियलाइज कि इसे फिट करने से पहले मुझे जगह की थोड़ी एडजस्टमेंट करनी चाहिए। सो जैसे कि आप देख रहे थे कि काफ़ी टाइम से मैं टीवी इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा था। जस्ट एन ऑनेस्ट ओपिनियन, इस टीवी की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, फ्रैंकली स्पीकिंग, गिवन इट्स प्राइस आई एम नॉट सरप्राइज। बट फाइनली काफ़ी कोशिश करने के बाद ये टीवी इंस्टॉलेशन अभी ख़त्म हो चुका है और अभी मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ ये टीवी। एंड लेट्स सी हाउ इट लुक्स लाइक। ओके, लेट्स चेक आउट फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ दिस टीवी। A few moments later. Finally, we have this TV up and running. जो भी कनेक्शन लग रहा था वाईफाई का, वो कनेक्शन अभी कर लिया है। तो सभी एप्स वगैरह दिख रहे हैं, डिसेंट क्वालिटी। आई थिंक काम चला फॉर वन ईयर, बट या सो फार सो गुड। वन रिक्वेस्ट इज थैंक यू, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये चैनल काफ़ी नया है। वन गुड थिंग इज़ दैट द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आई एम गेटिंग इज़ अमेजिंग। मतलब इसके पहले भी मेरा एक चैनल हो चुका है जो एजुकेशनल नेचर का था और उसमें यू नो इवन आफ्टर क्रॉसिंग 1,000 सब्सक्राइबर्स मेरे कुछ और एन एवरेज 100-200-300 व्यूज़ आते थे। अभी ये चैनल में सिर्फ 50-60 सब्सक्राइबर्स ही है, फिर भी व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, 200-300 से तो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। सो दैट्स अ गुड थिंग। Please keep supporting whoever subscribed to me. I love you already. I love you 3,000. And keep up the support. I really appreciate it. Thank you so much. That's it from this vlog. Milte hai agle video mein. Until then, take care. Bye-bye.